दिल्ली में नई शराब नीति पर बवाल थमता नहीं दिख रहा है। नई शराब नीति के तहत केजरीवाल सरकार ने शराब कारोबारियों का कमीशन 2.5% से बढ़ाकर 12% किया था। बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार पर हमलावर है और इसी कड़ी में दिल्ली के प्रगति मैदान में भी प्रदर्शन किया गया, जहां बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया के घर का घेराव करने के लिए निकले, लेकिन बीच रास्ते में ही उनकी पुलिस से झड़प हो गई। उन्होंने रास्ते में की गई बैरिकेडिंग को पूरा जोर लगाकर हटाने की कोशिश की। ऐसा करने से वहां मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें रोका तो वो पहले से ज्यादा आक्रामक हो गए। इस प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड को धक्का लगाने लगे और आखिरकार वो ऐसा करने में कामयाब भी हो गए। उन्होंने बैरिकेड यहां पर गिरा दिया है। यहां से थोड़ी ही दूरी पर मनीष सिसोदिया का आवास है। बीजेपी के ये कार्यकर्ता एक पुतले के साथ वहां पहुंचे, जिस पर उन्होंने मनीष सिसोदिया की फोटो लगाई थी। उस पर उन्होंने अपना जमकर गुस्सा निकाला। इस हंगामे के दौरान वहां बड़ी संख्या में पुलिस वाले मौजूद रहे, लेकिन इन प्रदर्शनकारियों को रास्ते से हटाना उनके लिए उतना आसान नहीं रहा। सड़क पर उतरे बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार को जमकर कोसा और इस दौरान वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के विरोध में नारे लगाने से भी नहीं चूके। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता की अगुवाई में यह प्रदर्शन हुआ। इस दौरान आदेश गुप्ता ने भी पुतले में आग लगा दी। अगर जरा भी नैतिकता बची अरविंद केजरीवाल में तो तुरंत मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करें। पुतले में आग लगाई गई तो पुलिस ने भी फौरन उसे फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से बुझा दिया।